मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है 26 जनवरी। तो आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो आप सभी लोगों को। तो अनमोल के पापा पूजा कर रहे हैं, ये देखिए पूजा कर रहे हैं। तो आज है फ्राइडे, तो मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो आलू के पराठे नहीं मिलते तो देखते हैं क्या नाश्ता बनाते हैं। जो भी बनाएंगे आपको जरूर दिखाएंगे। तो आज सोच रहे हैं हम 26 जनवरी है, तो उसका मौके का फायदा उठाते हैं, क्योंकि आज खुशी का दिन, तो अच्छी अच्छी चीजें होनी चाहिए खाने के लिए। तो आप लोग क्या क्या बना रहे हैं 26 जनवरी के दिन नाश्ते में? मैं तो कुछ अच्छा ही बनाऊंगी अपने बच्चों के लिए। मेरे बच्चों की जिस दिन छुट्टी होती है और भी अच्छा नाश्ता बनाती हूँ मैं। वैसे तो डेली अच्छा ही बनाती हूँ, पर जब छुट्टी का दिन होता था, जब ज्यादा स्पेशल चीजें होती है, जैसे कि मैंने जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा राम जी की, क्या बोला था बाबू, प्राण प्रतिष्ठा। हाँ, तो अयोध्या में जब राम जी आए थे तो उस दिन मनाए थे मैंने छोले भटूरे। रामलल्ला आए थे, छोटा रूप राम जी का, छोटा रूप रामलल्ला बोलने। अच्छा, तो मैंने बनाए थे छोले भटूरे। तो कुछ स्पेशल दिन के दिन स्पेशल नाश्ता भी होना चाहिए, तो तभी अच्छा लगता है और खुशी भी जमी मिलती है। अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा पियो, अच्छा अच्छा बोलो। तो यही चीज़ें होती हैं जिंदगी में, जो चीज़ें देखो खाना पेट भर के खाना चाहिए, स्वाद होना चाहिए, स्वाद भी अच्छा ही होना चाहिए। बेस्वाद खाना में क्या है रखा, कुछ नहीं। स्वाद खाना चाहिए, थोड़ा खाओ पर अच्छा खाओ। तो चलिए गाइस, तो मैंने उबाल दिए हैं आलू। उठते ही मैंने पहले आलू चढ़ाए, आलू उबाल दिए हैं। और कुछ और एक चीज़ है जो मैं अभी नहीं बताना चाहती, बाद में बताऊंगी। इसके सामने तो मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहती, क्योंकि ये जरा वो करता है ना, इसके सामने मैं कुछ नहीं बताना चाहती अनुराग के आगे। तो चलिए गाइस, तो हम चलते हैं किचन में, हमारा पानी गर्म हो रहा है, फिर नहाएंगे हम। बना रहे हैं यहाँ पर आलू के पराठे। इधर बना रखा है मैंने आलू का बैटर, एक डोसे वाला। इधर मैंने सूजी भिगो के तैयार कर ली, तो ये बनाऊंगी मैं डोसा, सूजी का डोसा बना रही हूँ। तो देखिए गाइस, आलू के पराठे बना दिए। अनमोल कैसे बने? देखिए मेरे देवर आए, आलू के पराठे दे दिए मेरे। हैप्पी 26 जनवरी, हैप्पी 26 जनवरी अपने देवर के लिए, गणतंत्र दिवस। भाई ये कि कभी कभी देवर के लिए स्पेशल होना चाहिए ना। तो मेरे देवर आगे दाने दाने पे खाने वाले का नाम देखो, ये होता है ना। खा के तो बताओ कैसा बना। अच्छी बने, स्मेल अच्छी आ रही है। चटनी ले लो ना, ग्रीन वाली ले ले। और दीदी देखो आई है, और ना दीदी पराठे नहीं खा रही, मना कर रही कि मैं पराठे नहीं खाऊंगी। तो दीदी के लिए बिस्किट और क्या कहते हैं मठाई रख दी हमने, ये खा रही है दीदी को सबसे पहले। गाइस मेरे रेडी हो चुके हैं नहा धो के, और हमने नाश्ता वास्ता सबके लिए आलू के पराठे खाए थे आज हमने नाश्ते में। तो अनमोल के पापा वीडियो कर रहे हैं एडिट, क्योंकि दोपहर को जाना है लोग 2 बजे। तो अभी टाइम में अभी 1 घंटा पड़ा हमारे ब्लॉग जाने में, तो काम हमारा सारा हो चुका है। तो हम लोग थोड़ी वार्तालाप कर रहे हैं, मेरे देवर आए हुए हैं, तो हम लोग बातचीत वगैरह कर रहे हैं, मेरे पापा वीडियो एडिट कर रहे हैं वहाँ पर। और बोलो कुछ गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। कुछ नहीं बोल सकता, कुछ नहीं बोल सकते। आज कितने 3 दिन की छुट्टी है मेरे देवर की, है ना? 3 दिन की छुट्टी पड़ गई, मौज मारेंगे 3 दिन। गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, स्वतंत्रता तो 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त। हाँ, 15 अगस्त को। A few moments later, गए जनमूल के पापा ने काटे हैं अमरूद, और ये है क्या है, संतरा। हाँ, तो अभी हम ये खाएंगे, तो 26 जनवरी को एंजॉय कर रहे हैं हम छुट्टी को। फिर हम चाय बनवाएंगे 5 बजे, चाय 5 बजे। हाँ, 1 घंटा रेस्ट करेंगे, 4 बजे से हम शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे, फिर 5 बजे चाय पियेंगे, फिर खाने की तैयारी। पता चल गया भाई, दूध वो ना बर्तन तो रखो, बहुत देर हो गई भाई, दूध लिया, चाय पीनी है हमें। यहाँ ध्यानचंद प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पर ध्यानचंद निकलियो।
आज का दिन कैसा बीता? अच्छा बीता, आराम किया, खूब खाया। और आज के दिन हमने झंडा नहीं फहराया क्योंकि हमारे पास झंडा रखा हुआ था पर वो मिल नहीं रहा और दुकानें बंद पड़ी थी। हमें ये पता था कि झंडा रखा हुआ हमारे पास और सारे में ढूंढ लिया, हमें झंडा नहीं मिला तो दुकानें बंद थी आधे दिन के लिए, बल्कि 2:30 बजी गया तो हमने झंडा भी नहीं फहराया। आज पता नहीं क्या हुआ, झंडा हमारे दिलों में है। हाँ ये बात है, देश के लिए प्यार हमारे दिलों में है यार। झंडा फहराने से क्या होता है, जब दिल में इज्जत है तो झंडा फहराने से कुछ नहीं होता। झंडा फहराओ, दिल में इज्जत नहीं है देश के लिए तो क्या फायदा। तो हमारे लिए, हमारे देश के लिए दिल में इज्जत है, प्यार है, झंडा हमारे दिल में फहरा रहा है। क्या करे यार, झंडा नहीं मिला हमारा, सारे में ढूंढ लिया हमने तो झंडा था, तो बस वही थोड़ा मिस्टेक हो गया आज हमसे। कोई बात नहीं, देश के लिए सब कुछ हो सकता है, पर हमें ये पता था कि हमारा झंडा हो जाए, मिल जाएगा तो हम झंडा फहराएंगे, कुछ शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, नहीं बना पाए हम। और बस हमने आज सारे दिन खाया पिया है और बस रेस्ट करा है, बस यही करा आज, बस ये कि हाँ हमने इंजॉय करा बस, है ना भाई। तो देखिए गाइस, मैं बना रही हूँ चटनी, चटनी और इधर बन रहा है डोसा, डोसा बन रहा है इधर हमारा, और इधर हमारा आलू का बैटर तैयार है, इधर हमारी आधी चटनी तैयार हो गई है और इधर हमारा ये डोसा तैयार हो ही रहा है। बस यही बैटर रह गया, 2 डोसे और बन जाएंगे इसमें। चलिए गाइस, तो चटनी पीसते हैं और फिर मिलते हैं आपसे हम। तो देखिए गाइस, हमारा सारा डोसा वोसा सब बन गया है और देखिए चटनी भी बन चुकी है हमारी, कितनी यम्मी लग रही है। तो चलिए गाइस, तो अब खाते हैं हम लोग। और ये देखिए इसे, इसने टॉफी खाएगी और खांसी हो गई ना, नहीं नहीं हो गया ना खांसी, खांसी आई मैया, कितनी खांसी, गिर जाएगा सब सामान खांसी लौंडे को। और खा टॉफी, चॉकलेट खा, और खाएगी और डैडी तेरी नाना आ गई, तेरी नानी आ गई, पप्पी नानी, झूठ नहीं कह रही। मैं झूठ नहीं कह रही, सच बोल रही हूँ। हाँ तेरे नाना आ गए, तेरी पप्पी नानी आ गई, झूठ मैं झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही। किट्टू किट्टू इधर देख, मैं सच। तो बताओ भाई, बहुत बढ़िया, तो बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया, मेहनत तो उसमें बढ़िया बना ना। अनुराग कैसा बना? बड़ा तो हमने डिस्पोजल का इस्तेमाल इसलिए करा क्योंकि ठंड हो रही है और मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं, रसोई के क्लीन कर दिए है, तो इसलिए अनमोल के पापा ने कहा कि हम डिस्पोजल में खाएंगे। अब तेरे नाना आ गए, हाँ आ गए, झूठ झूठ बोल रही हूँ मैं, सच बोल रही हूँ। हमने खाना वाना खा लिया है, बहुत ही मजेदार डोसा बना, चटनी बनी और आलू का बैटर, तीनों ही चीज अच्छी बनी। मैंने सांभर तो मैं बना नहीं रही थी, सांभर नहीं बनाया मैंने क्योंकि मेरे पास सांभर वाली दाल नहीं थी, इसलिए मैंने सांभर नहीं बनाया। तो इसी के साथ पूरा दिन हमने इंजॉय करा 26 जनवरी को, आज हमने खाने के साथ इंजॉय करा, खाया पिया लेट गए, खाया पिया लेट गए, अपना घर का काम निपटाया और बढ़िया मज़ेदार खाना। और दोपहर का हमने जो लंच खाया था, हमने चने उड़द की दाल थी और पराठे थे और वो हमने इंजॉय करा था दोपहर को, तो हमने आपको नहीं दिखाया। वो इसलिए नहीं दिखाया कि पूरे दिन खाने का ही हो जाता कि खाना खाना खाना, इसलिए हमने जो खास चीज़ थी हमने वो चीज़ दिखाई, आलू के पराठे और डोसा। तो ये थोड़ा अलग सा था, अलग हटके था, दाल रोटी तो रोज की होती है। तो 26 जनवरी को इंजॉय करते हुए तो आज करते हैं वीडियो का एंड हम। तो हमें तो बहुत मजा आया आज, हमने बहुत इंजॉय करा। अनमोल तूने इंजॉय करा आज? मैंने भी इंजॉय करा, मगर इस बार ऐसा नहीं लगा कि जैसे
हर साल 26 जनवरी को होता है क्या, 26 जनवरी है, 26 जनवरी भी नहीं देखी हमने आपके। हाँ, और इस बार ना ज्यादातर राम जी का है कि राम मंदिर जाना राम मंदिर जाना, इस बार ऐसा पता ही नहीं चला कि कब मैं वो 26 तारीख आ गई। लाइट जल गई, हाँ जल गई। इस बार ऐसा नहीं लग रहा कि इस बार 26 जनवरी बनी है ढंग से। हाँ, अगर इस बार हमें ये चीज को खुशी है कि हमारे राम जी आ चुके हैं अयोध्या में, तो कई वर्ष बाद आए हैं, तो 26 जनवरी से ज्यादा खुशी हमें अयोध्या में जो राम जी आए हैं उनकी खुशी थी। तो इसलिए अब के हमने ज्यादा हमने 26 जनवरी पे ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, सच बताओ। तो आज हम मैं तो उठते ही आज हम थोड़ा लेट उठे थे क्योंकि छुट्टी थी, तो उठते ही किचन में गई, आलू वालू उबाले तो अपने काम में लग गई थी मैं, तो चलिए गए। तो करते हैं वीडियो का एंड। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारा जो डोसा बैटर ये सब चीज़ें जो है अगड़म झगड़म जो हमने खाया आज भी है, तो कैसा लगा आपको, तो कमेंट यार कमेंट करा करो। बाला दीदी तुम्हें कमेंट करा करो, मैं बाला दीदी को कह रही हूँ, बाला दीदी मालो दीदी कमेंट करा करो कैसा लगा हमारा ब्लॉग। यार दोस्त नहीं करेंगे हमारे कमेंट तो कौन करेगा। और बबीता जी आप भी करिए हमें कमेंट, आजकल आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो कमेंट कीजिए हमें कैसा लगा ब्लॉग। तो चले गए, तो जितने भी मेरे यहाँ पर आसपास मेरे ब्लॉग को देखते हैं, प्यार करते हैं, हमें सहयोग करते हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए ताकि हमें अच्छा लगेगा कि आप लोग देख रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लगेगा, इतनी हमारी मेहनत जो है वसूल हो जाएगी। तो चलिए गाइस, तो इसी के साथ में गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड टाटा बाय बाय।